जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आज अंतर्राज्यीय सीमा तथा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राज्यीय सीमाओं तथा अति संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की विशेष निगाहें होंगी। डीएम व एसपी सबसे पहले विकासखंड लार स्थित प्राथमिक विद्यालय बनकटा अमेठिया पहुंचे हैं। उक्त मतदान केंद्र में 2 बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने ड्रैम, पेयजल, विद्युत, शौचालय इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त की है। बताया गया कि उक्त मतदान केंद्र पर लगभग 2000 मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश क्षेत्र से बाहर रहते हैं। डीएम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनपद से बाहर रह रहे सभी मतदाताओं को पानी भेजने का अनुरोध किया है। साथ ही गांव में मतदाता बुलावा टोली बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मतदान केंद्र के इतिहास के विषय में भी जानकारी प्राप्त की है। इसके पश्चात डीएम एवं एसपी देवरिया मेरवा सीमा पर स्थित चेक पोस्ट का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि सीमाओं पर विशेष चौकसी बरती जाए, प्रत्येक संदिग्ध वाहन की सघन जांच की जाए। डीएम एवं पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्र कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय रामपुर बुजुर्ग का भी निरीक्षण किया, जहां निर्वाचन आयोग की मंशा रूप तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम भटपार रानी, हरिशंकर लाल, सीओ सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसमें आदर्श आचार संहिता जो है, चुनाव आचार संहिता जो है, प्रभावी है। इस सिलसिले में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा जो है बॉर्डर एरिया का जो है निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय आयोग के निर्देश हैं कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, उन इंटर स्टेट बॉर्डर पर प्रॉपर चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश की जाएं, ताकि एनसीसी वायलेशन के अगर कोई भी प्रयास हो तो उस प्रयास को खत्म किया जा सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यूपी और बिहार का बॉर्डर है। मेरे पीछे जो है पूरा बिहार राज्य की सीमा है, बिहार राज्य का क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग तैयारियाँ देख रहे हैं। तभी तैयारियाँ चूँकि जस्ट इनिशिएशन है, इनिशिएशन में तैयारियाँ अपनी जगह पर स्थापित हो रही है।